नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी भारत। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड में हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला पर्व मुहर्रम पर्व शांति सौहार्द एवं भाईचारे के बीच बुधवार को मनाया गया। इस मौके पर डैनीबाद, कारी, खोखो, मंजलाडी, नीचे टोला, महुगाय के तीन मोहल्लों से और मंजलाडी ऊपर टोला समेत कई गांव के अखाड़ों के द्वारा ताजिए के साथ जुलूस निकाला गया। इस दौरान जुलूस में युवाओं के द्वारा परंपरागत हथियारों तथा लाठी, तलवार वगैरह का शानदार प्रदर्शन किया। वहीं जुलूस में या अली या हुसैन और नारे तकबीर के वगैरह के नारे लगे। इस दौरान उक्त सभी जगहों पर और अखाड़ों के ताजिया प्रखंड के महुगाय पंचायत स्थित मंजला जी के करबला के समीप रोड पर ताजिया लेकर पहुंचकर एक से बढ़कर एक खेलों का प्रदर्शन वहां के बूढ़े बच्चों और जवानों द्वारा किया गया। वहीं प्रखंड के मरकच्चो बाजार, करबला नगर, लोहंडियो और बिचरिया गादी, नवादा ग्राम, तेलोडी समेत अन्य क्षेत्रों से भी ताजिए के साथ जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान सभी अखाड़ों के साथ थाना प्रभारी सौरभ कुमार के द्वारा ड्यूटी पर लगाई गई पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात की गई। वहीं कारी खोखो निवासी करीम मियां ने बताया कि इस मरजलाडी में पूर्वजों के समय सैकड़ों वर्ष से ताजिए का अखाड़ा इस गैर मजरुआ स्थल पर लगाई जा रही है, पर पिछले कुछ वर्षों से यहां के कुछ लोगों द्वारा ताजिया अखाड़ा लगाने को लेकर विवाद किया जा रहा है। इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा ताजिया लाइसेंसधारियों के पक्ष में डिग्री भी दी जा चुकी है। बावजूद इसके लोगों को परेशान करने के ख्याल से अब पक्ष द्वारा पुनः उच्च न्यायालय में अपील की गई। इसके कारण सारे ताजिए को रोड पर ही रखकर अखाड़ा लगाया जाता है। ताजिया मिलन के दौरान विभिन्न अखाड़ों के अध्यक्ष मुरली महतो, जब्बार मियां, खदीम खान, एजाज अंसारी, करीम मियां समेत कई लोगों ने अहम भूमिका निभाई। कोडरमा से इंद्रदेव कुमार राम की रिपोर्ट। आज हम लोग मंजलाडी पहुंचे हुए हैं, तो यहाँ ताजिया का ये खेलकूद में क्या परेशानी आते रहता है? खेलकूद में हम लोग को बहुत परेशानी होता है कुछ दिनों से। तो ये है यहाँ महोगा का आदमी जो हाजी अली मोहम्मद जिनका नाम है। अच्छा अच्छा। वो बहुत परेशानी करता है यहाँ बैठाने से ताजिया हम लोग को। ये जमीन कैसा है? ये जमीन जीएम लैंड का जमीन है। अच्छा। ना हम लोग को जमीन है, हम लोग को बीते वर्षों से पूर्वजों के द्वारे से वर्षों से ताजिया यहाँ बैठता था। लगभग कितने वर्षों से? पूर्वजों के वर्षों से हम लोग को ये तो नहीं पता है, पूर्वजों के द्वारा। फिर ये परेशानी कब से नजर आ रही है? ये कुछ दिनों से, करीबन चार साल के आसपास। अच्छा, अच्छा। ये हम लोग को परेशानी कर रहे हैं। ये जमीन गैर मजरुआ का है? गैर मजरुआ जमीन है। बावजूद इसके परेशानी है? बावजूद कोई परेशानी है। क्या आप लोग का क्या कहना है इस पर? ये हम लोग को खेलकूद के लिए हम लोग को 2-3 घंटा का समय देना चाहिए। अच्छा। हर मुहर्रम में परेशानी होता है जो हम लोग खेलकूद नहीं कर पाते हैं। उत्साह से आते हैं लेकिन उत्साह हम लोग को नहीं मना पाते हैं। हम लोग निराशा चल जाते हैं सुबह को सोकर। मजबूरी है कि हम लोग को रास्ता पर ही ताजिया बैठाना पड़ता है। ना हम लोग खेल कर पाते हैं, ना तो कुछ दिखा पाते हैं। 4-5 गांव का यहाँ करबला है, ये महगाय है, मंजलाटी है, डैनीबाद है और बरवाडी है, कारी खोखो है, लालगढ़ का है, सब जगह का ताजिया यहाँ जमा होता है। बावजूद इसके रोड पर रख के आप लोग को तपस्या करना पड़ रहा है। आप लोग के साथ जबरदस्ती किया जा रहा है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।